उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बोधापुर गांव में बीजेपी के किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रमोद यादव को 3 गोलियां लगी है। नेता को जिला अस्पताल में ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई। घटना के बाद बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। घटना जौनपुर जिले के बोधापुर गाँव में हुई है। प्रमोद यादव को उनके घर के बाहर ही गोली मार दी गई थी। पुलिस ने घटना के बाद तत्काल स्थान पर पहुंचकर छानबीन शुरू की है और बदमाशों की बाइक को कब्जे में लेने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रमोद यादव बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्हें वर्तमान में जिला मंत्री के पद पर थे। घटना के पश्चात इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इस मौके पर बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लग गया। इस घटना के बाद लोग गहरे शोक में नजर आ रहे हैं। घटना को लेकर पुलिस टीम छानबीन कर रही है और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार करने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है।